हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। बड़ों को नमस्ते, सत श्री अकाल एंड छोटों को प्यार। तो बहुत दिनों की तैयारियों के बाद आज वो दिन आ गया जिस दिन हमें इंडिया को छोड़कर यूके के लिए जाना था। ये टाइम था सुबह सुबह का, टाइम चल रहा है 9 बजे का, और हम सब अपनी अपनी तैयारियों के अंदर ये टाइम है बच्चों को केक से दूर रखने का, क्योंकि बच्चे केक को देखकर थोड़े पागल से हो जाते हैं। और वही सीन हमारी जैस भी कर भी रही थी, कपड़े ख़राब कर लेते हैं बच्चे, तो अब टाइम नहीं है कि हम बच्चों के कपड़े दोबारा बदलें। मम्मी थोड़ी उदास हो गई थी, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है माँ के लिए अपने बच्चों को बच्चों से बिछड़ने के। जाने का टाइम हो रहा था और मुझे मेरे शूज़ ही नहीं मिल रहे थे। सब लोगों ने अपने शूज़ पहने थे, बट मैं अपने शूज़ अभी ढूंढ ही रही थी। अरे बाकी वैसे तो नौ बजे घर से निकल गए थे और हम लोग टाइम से पहुंच गए थे दिल्ली। लेकिन दिल्ली बॉर्डर पे इतना ट्रैफिक, इतना जैम था कि हम टाइम दिखा रहा था 12:15 बजे का पहुंचने का। और हम लोग पहुंचने के बाद पैकिंग में गाड़ी लगाएंगे। मैं हमारी फ्लाइट थी 3:10 पे जो शुरू होकर, और उसने हमें पहुँचाना था 8:15 बजे इन यूके, जो कि पूरा का पूरा सफ़र होता है 9:40 का। तो हम लोग पार्किंग में पहुंच चुके थे, पार्किंग एरिया बहुत बड़ा था। फिर पार्किंग से होते हुए हम एयरपोर्ट के अंदर एंटर कर गए, और एयरपोर्ट से मेन गेट पर पहुँचने में हमें बहुत देर लगी, बिकॉज रास्ता बहुत लंबा था और हमारी दो गाड़ियाँ और जो थी वो भी आ रही थी पीछे। तो जैसे एक के बाद एक करके हम लोग मैं पहुँचे, और मम्मी की गाड़ी वो पहले पहुँच चुकी थी क्योंकि वो ऑन द गेट ही उतरी थी। तो हम लोग जल्दी से पहुँचे वहाँ पे। जाने का रास्ता सहूलियत के लिए एस्केलेटर तो लगी हुई है, बट ये ना बराबर है बिकॉज इनके ऊपर भी चलना पड़ता है, बहुत धीरे धीरे चलती है ये। विदिन द 10-15 मिनट्स हम जो है मेन गेट पर पहुँच गए थे, जहाँ पे हमने ये चेक करना था कि हमारी फ़्लाइट ऑन द टाइम है या नहीं है। हमने अपनी फ़्लाइट चेक करी सबसे पहले कि हमारी फ़्लाइट ऑन द टाइम थी, 3:10 पे थी। करते हैं, सबसे पहला काम होता है आपको अपने पासपोर्ट्स दिखाने, और पासपोर्ट दिखाकर आप अपनी टिकट कंफर्म करते हैं कि यस आपकी टिकट है या नहीं है। टिकट कंफर्म होने के बाद आप नेक्स्ट काउंटर पर जाते हैं, जहां पर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं कि आप किस टिकट से
कहाँ जा रहे हैं और आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है। तो ये एक इमिग्रेशन प्रोसेस होता है, इसके अंदर आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इमिग्रेशन के अंदर जो मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो थे कि आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, आपके सोर्स ऑफ फंड्स कितने हैं, उन सब की आप वहाँ जाकर रहेंगे किसके पास, कैसे रहेंगे, उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होते हैं। प्लस आपको जो है अपना कैश लेटर दिखाना होता है अगर आप स्टडी वीजा पे हैं, या फिर अगर आप जॉब पे हैं तो स्पॉन्सरशिप लेटर। और ये होने के बाद इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है आपको बोर्डिंग पास कलेक्ट करने। बोर्डिंग पास आपको मिल जाता है, उसके बाद आप नेक्स्ट काउंटर पे जाते हैं जहाँ पे आपके सारे के सारे लगेज का वेट चेक होता है। लगेज वेट चेक होने के बाद हमारा सारा अंडरवेट ही था, कुछ भी ओवरवेट नहीं था। लगेज चेक होने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है सिक्योरिटी चेक। वहाँ पर आपके सारे के सारे, अब आपने अपने बड़े बैग्स तो सारे ड्रॉप कर दिए, आपके हैंड बैग्स आपके पास रह गए हैं, अब इनके अंदर क्या क्या आप अंदर लेकर जाते हैं वो आपकी सारी चेकिंग होती है। एक 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 चीज़ को, लैपटॉप्स को अलग बैग्स के अंदर, अपनी ट्रेस के अंदर निकाल के रख देते हैं। सब चीज़ों को अलग अलग निकालने के बाद, चेकिंग होने के बाद आप अंदर जाते हैं। और वहाँ से काफ़ी लंबा रास्ता है जो हम लोग कवर करके हम लोग जब यहाँ पे पहुँचते हैं, तो हमें जाना है नंबर 7 पे। हमारा गेट नंबर 7 था विस्तारा एयरलाइंस का, हम नंबर 1 पे थे। तो 1 to 7 दौड़ के फटाफट गए, बिकॉज टाइम बहुत कम बचा था, मतलब 3:10 बची थी। तो हमें ये था हम फटाफट पहुँच जाएँ, और एयरलाइंस वाले भी हमें बोल रहे थे यू आर लेट, प्लीज़ गो फास्ट। हम क्यू में लग चुके थे और एयर हॉस्टेस सबके टिकट चेक करके उनके टिकट्स के अकॉर्डिंग उनको रास्ता बता रहे थे कि आपको किस साइड जाना है। हम भी लाइन में लग चुके थे, एक एक करके सबका नंबर आ रहा था। हम भी लाइन में लग गए और अपनी सीट नंबर ढूंढ रहे थे। फाइनली हमें हमारी सीट मिल गई, बहुत भीड़ थी, ऐसा लगा सच में शानी पंजाब है। और हम लोग पहुँच गए। मोर वीडियोज़ के लिए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।